हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास हरमन। सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट शालिन एक्स हस्बैंड है बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट दलजीत कौर के। इन दोनों की शादी 2009 में हुई थी। इन दोनों ने एक साथ नच बलिए सीजन 4 में पार्टिसिपेट किया था और उस शो को ये दोनों जीत भी गए थे। उसके बाद कुछ सालों तक इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो गई और फाइनली 2015 में इन दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। दलजीत कौर ने शालिन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। शालिन की तरफ से आगे से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था ये हमको नहीं पता। लेकिन कल के एपिसोड में शालिन ने टीना को बोला कि दलजीत कौर अभी भी उसकी दोस्त है, ये दोनों रेगुलरली मिलते हैं, इन दोनों के बीच में रेगुलरली बातचीत होती है। और शालिन ने टीना को यह भी बोला कि अगर मैं तुम्हें अपने रिलेशनशिप की रियलिटी बताऊंगा तो तुम हंस पड़ोगी और बोलोगी कि भाई टीवी में तो ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है। अब इस बात के ऊपर दलजीत कौर ने अपना रिएक्शन दिया है। दलजीत कौर ने शालिन को बोला है कि सबसे पहले तो मुझे अपना दोस्त बोलना बंद कर दो, बिकॉज एक महीने में एक बार या फिर दो महीने में एक बार जो हम मिलते हैं वो भी बच्चे को तुमको मिलाना पड़ता है, इसलिए मिलते हैं, हम दोस्त नहीं है। और तुम्हारी ये जो फिक्शन स्टोरीज हैं उससे मुझे दूर रखो। और तुमने टीना को बोला कि अगर मैं रियलिटी बताऊंगा तो तुम हंस पड़ोगी, तो क्या रियलिटी सचमुच ऐसी थी? और उसने ये भी बोला कि टीना के अगेंस्ट मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो शालिन स्टेटमेंट दे रहा है ये सरासर झूठ है। तो आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है या फिर कौन झूठ बोल रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास हरमन को सब्सक्राइब कर लो।